जब से दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तब से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी दिल्ली के सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे करा रही है। साथ ही उम्मीदवारों के चयन के लिए ऑब्जर्वर की भी सुझाव मांगे गए हैं। बीजेपी ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व और जिला स्तर एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की सलाह के बाद ही की थी। वहीं ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में बीजेपी 3 से 4 नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पार्टी ने मौजूदा सांसदों की लोकप्रियता और उनके काम के अलावा अन्य पहलू को नजर में रखकर सर्वे कराया है। पार्टी ने सर्वे के दौरान इन सीटों पर वैसे लोगों के नाम भी पूछे हैं जो अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो ऐसे उम्मीदवार को उतारा जा सके। वहीं खबर ऐसी भी आ रही है कि ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट स्थानीय नेतृत्व को भेज दी है, जिन्होंने इसे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दिया है। अब केंद्रीय चुनाव कमेटी कैंडिडेट के नाम की अंतिम घोषणा करेगी। आपको बता दें कि 29 फरवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में पार्टी अलग अलग राज्यों के 150 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इस बैठक में दिल्ली की भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। वहीं इससे पहले 2019 में चुनाव में बीजेपी ने 5 सांसदों को लगातार दूसरी बार टिकट दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 7 सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज की थी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में 2 से 3 सीटों पर बीजेपी पुराने सांसदों की टिकट काट सकती है। उन सीटों से पार्टी एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी और कुछ केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनको मैदान में उतार सकती है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस की गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कितनी कामयाब होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।